आज हम बनाने जा रहे हैं बैंक निफ्टी की एक एल्गो स्ट्रेटजी जो बैंक स्ट्रेटजी है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कैन बी एज लो एज 15,000, लेकिन हम इसे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बनाएंगे। और साथ साथ में जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग जो स्लिपेज है उसे मैनेज करने वाले हैं, ब्रोकरेज को मैनेज करने वाले हैं, और साथ साथ जो टैक्स आते हैं उनको भी मैनेज करने वाले हैं। तो बने रहिए। वेलकम टू टी फॉर ई ट्रेडिंग फॉर नई यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनोज कुमार सिंह, अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर, साथ साथ कोच, मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड हैविंग मोर देन 500 स्टूडेंट्स। तो आज हम ये बनाने वाले हैं बैंक निफ्टी की लॉन्ग स्ट्रेटजी, और तो चलिए आगे चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए ये मैंने स्क्रीन खोली हुई है, इसे मैंने जाकर के ये क्रिएट स्ट्रेटजी का बटन दबा दिया है। बैक टेस्ट करेंगे, ये 24 है, लेट अस डू फॉर 2 ईयर्स, जैसे काम काम करते हैं इसे 22 चूज करते हैं, और ये हम जनवरी हमारा आज आज चल रहा है 27th, तो 24th लास्ट वर्किंग डे था, तो हम 25th से 25th जनवरी 22 से 2 सागर चेक करेंगे, 25th जनवरी से चेक करेंगे, और तो 2 सागर टेस्ट हमारे यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो हम बनाने वाले हैं बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी लॉन्ग ऑप्शन लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग बाइंग स्ट्रेटजी है ये बाइंग। आज चलते हैं, सिंगल है ये, हम करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। आप चाहें तो इंडेक्स के बेसिस पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इक्विटी के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं बनाने वाला हूँ फ्यूचर के बेस पर। और क्यों, देखिए फ्यूचर क्यों चूज करते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन जो प्राइस होता है ये डिपेंड ऑन द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। कई बार आप देखेंगे, आप गौर कर रहे होंगे कि इंडेक्स मूवमेंट तो आ नहीं रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है उनमें ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों, उस वक्त फ्यूचर में मूवमेंट आ रहा होगा। ऑलवेज जो मूवमेंट होता है वो स्टार्ट होता है, सबसे पहले मूवमेंट आएगा जो है वो फ्यूचर प्राइस में, उसके बाद में मूवमेंट आएगा, इमीडिएटली बाद में आएगा ऑप्शन प्राइस में, उसके बाद में मूवमेंट आएगा इंडेक्स में, लेकिन बहुत ही जल्दी कुछ सेकेंड्स के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने लिया बैंक निफ्टी, कैंडल चूज करेंगे, ये दिया हुआ है इसे हटा देते हैं, इंडिकेटर को ऐड करते हैं, और सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं हम करने वाले हैं यहाँ पर करंट कैंडल को ऐड करेंगे, करंट कैंडल को ऐड कर रहे हैं, और टाइम ले रहे हैं इसका 5 मिनट, फ्यूचर प्राइस ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं, इस पर ऐड करते हैं बोलिंजर बैंड, और बोलिंजर बैंड का जो हम लेंगे यहाँ पर टाइम इसका हम 5 मिनट लेंगे, हमने वही 5 मिनट लिया था, हम यही 5 मिनट लेने वाले हैं फ्यूचर प्राइस पर। आगे बढ़ते हैं, एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं, और ये है RSI लेंगे 14, और इसको भी हम 5 मिनट का चूज़ करेंगे, और इसको भी हम ये चूज़ करेंगे। अगला इंडिकेटर हमारा है वो है पिवट पॉइंट, ये हमारा ट्रेडिशनल ठीक है, लेट इट बी, और इसके बाद में अगला इंडिकेटर हम ऐड करेंगे सुपर ट्रेंड। देखिए मल्टीपल इंडिकेटर क्यों ऐड करते हैं, आप थोड़ा सोचिए इस बारे में, क्योंकि एक इंडिकेटर जो इंडिकेशन देगा तो चांसेस है कि फॉल्स सिग्नल आए, हमारा ट्रेड ऊपर बढ़े और कम आ जाए, तो पर्पज हमारा ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं है। ज़्यादा ट्रेड लेकर के आप कभी कमा नहीं सकते, जो स्कैल्पिंग जो मैं देखा है, जो स्कैल्पर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई हम थोड़ा पैसा लेके भाग जाते हैं, आई कैन गारंटी दे के नॉट अर्न, क्योंकि क्या होता है उनका जो टर्म होता है दे ऑलवेज लुक फॉर स्मॉल प्रॉफिट, लेकिन उनके बड़े बड़े लॉसेस आते हैं, तो रिस्क रिवार्ड कभी उनके फेवर में नहीं आता। नंबर 1 उनको ये लॉस होता है स्कैल्पिंग में, नंबर 2 आपको लगता रहेगा आप कमा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ब्रोकरेज और टैक्सेस जो हैं वो इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है कि आपकी जेब में कुछ नहीं आ पाता। तो हमारा पापा चाहे ट्रेड्स कम हों, प्रॉफिट हों तो बहुत बड़े हों या बड़े हों, लॉस हो तो छोटे हों, अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया तो जो रिस्क बार हम अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा हिट रेट, हमारा सक्सेस रेट कम भी होगा तब भी हम कमा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमने सब ऐड कर लिए हैं, अब एंट्री कंडीशन डालते हैं हम लोग। पहली एंट्री कंडीशन क्या है कि करंट क्लोज जो है, मतलब जो कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए इज एबव अपर बोलिंजर बैंड, मतलब कि जो बोलिंजर बैंड है उसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए तभी हम इसमें हमारी एंट्री होनी चाहिए। ऐड किया, मैं हमेशा कहता हूँ एंट्री समय पर आपको हमेशा एंड यूज़ करना चाहिए, ताकि सभी कंडीशन से मिलकर हमें आप सिग्नल कम आए लेकिन अच्छे सिग्नल आए। हमें ऐड किया, इस बार हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा RSI है
वो भी ऊपर हो, वो जो है 70 से ऊपर हो। क्यों? RSI मूव करता है 0 से 100 के बीच में, 50 यू कैन से न्यूट्रल है। अगर 50 से ऊपर जाएगा तो ट्रेंड जो है वो जो मोमेंटम है वो ऊपर की ओर है, अगर इसके नीचे जाएगा 50 से नीचे तो मोमेंटम नीचे की ओर है। और साथ साथ में हम जब बात करते हैं 60 की, 70 की, 80 की, मतलब हाई मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो 70 मतलब कि अगर इसके ऊपर RSI गया है तो मोमेंटम ऊपर का अच्छा खासा बिल्डअप हो चुका है। आगे चलते हैं, एक और लिया, एंड लिया हमने। इस बार हम देखिए करंट क्लोज जो है इज अबव पिवट पॉइंट के ऊपर हम लेने वाले हैं, पिवट पॉइंट R1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल मूवमेंट होगा तो R1 जो होता है वहाँ से जो आपका जो वो जो जो प्राइस है वो वापस आ जाता है, वापस CPR की ओर है, वापस पिवट पॉइंट की ओर। लेकिन अगर जब R1 क्रॉस करता है तो इस बात के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अब ये अगला ऊपर तक चला जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं है, मैं ऑलवेज कहता हूँ इस बात के ज़्यादा चांसेज होते हैं, हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन लगाते हैं। इस पर लगाते हैं कि करंट क्लोज जो हमारा है इस अबव वो सुपर ट्रेंड के भी ऊपर हो। सुपर ट्रेंड कहाँ पर? देखिए नीचे है, सुपर ट्रेंड के ऊपर भी हमारा ये ऊपर हो। और साथ साथ में एक कंडीशन और लगा देते हैं, हम चाहते हैं कि जो सुबह सुबह का गैप अप गैप डाउन है वो हमको ज़्यादा इफेक्ट ना करे, तो हम कर देते हैं टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे है ये भी हमारा अबव हो 9:30 के ऊपर। देखिए इसमें आप लोग अब इतने सारे पैरामीटर हम लगा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, मेरा पर्पज़ ध्यान रखिएगा, मेरा पर्पज़ आपको लर्निंग देने का है। यहाँ जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके सामने क्या क्या आ गया, यू कैन चेक कि 70 के ऊपर है, आप इसे 80 करके देखिए, आप इसे 60 करके देखिए, आप इसे 90 करके देखिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। पिवट पॉइंट R1 है इसे हटा के देखिए, सुपर ट्रेंड है इसे हटा के देखिए एक बार, 9:30 टाइम है इसे 9:15 करके देखिए, 9:20 करके देखिए। इतने सारे परमोटेशन कम्बिनेशन बनेंगे, उसके बेसिस पर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखिए 4 साल में ये कैसा परफॉर्म करता है या 2 साल में कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे हमने सेव कर लिया। अब हमारा ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है, एग्जिट क्या होगा, एग्जिट क्या है, जब हमारा करंट क्लोज है ये नीचे आ जाए, इस बिलो हम चाहते हैं ये हमारा आ जाए, जो हमारा ये जो 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 अपर जो जो बोलिंजर बैंड है, जब अपर के ऊपर क्लोज हुआ तो हमने एंट्री ली है, कहीं वो ऊपर क्लोज होगा फिर वही घूमता रहेगा, लेकिन जो बोलिंजर बैंड है ऊपर उठ जाएगा वो मिडिल को टच कर जाएगा। तो हम चाहते हैं जब भी करंट क्लोज मिडिल बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो जाए तो हम बाहर निकल आएँ। ऐड करते हैं, जब एग्जिट करते हैं तब एंड नहीं होता, तो हम चाहते हैं कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वी आर आउट, हम उससे बाहर निकल आएंगे। अगला हमारा है करंट क्लोज जो है वो हमारा नीचे है सुपर ट्रेंड के, हमने सुपर ट्रेंड के ऊपर एंट्री ली थी, सुपर ट्रेंड के नीचे ही हम क्लोज करेंगे। तो दो कंडीशन हमारे, तो ऐसे हमारी दो कंडीशन आ गई जिसको हम सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी बेसिस पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब टेंशन क्या है, हमें ट्रेडिंग यहाँ पर कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग हमारे स्टॉप लॉस में लग चुका है। अब आपसे कमेंट है कि इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बिना ट्रिक किए कैसे लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नंबर 1 बात। आगे मैं 3-4 क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लग चुका है, आप बताएंगे कि कैसे लग चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम जो एंट्री लेने वाले हैं वो प्रीमियम बेस लेने वाले हैं, और साथ में कॉल खरीदेंगे उसका प्रीमियम रखेंगे 400। और 400 क्यों रख रहे हैं, ये ITM है। ध्यान रखिएगा जब भी आप बाइंग स्ट्रेटजी बनाएं तो ऑलवेज चूज ITM। बैंक निफ्टी में वीकली में अगर हम चूज करते हैं तो कभी भी इसको हम वीकली चूज कर लें, देखिए आपने अच्छी बात, हमारी अच्छी बात निकल के आई, तो कभी भी हमको ज़्यादा इसमें हमारे अंदर स्लिपेज नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है वीकली में, बैंक निफ्टी के वीकली में, तब भी हम बाइंग स्ट्रेटजी में एज ए रूल 1.5% स्लिपेज लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हम इसे करने वाले हैं। तो 400 लिया, लॉट इसमें हम ले रहे हैं 15, थोड़ा जस्ट हर बार 1-2 करते हैं, इस बार थोड़ा ज़्यादा करते हैं ताकि लगे हमने 1,00,000 रुपये लगाया है, कुछ ज़्यादा कमाया है। आप चाहें तो 1 लॉट से कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 लॉट से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यू कैन डू जैसा आप इसे चाहें। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो भी इसमें मूविंग है। वो कैसे मूविंग है, क्योंकि हमारे जो ये जो मूविंग जब तक ऊपर चलता जाएगा वो ट्रैफिक हमारा प्रॉफिट ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 15 हो गया, आप चेक कर लेते हैं सब कुछ, स्ट्रेटजी तो इंट्रा डे है, ये 15:25 रहने देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने वैसे ही ले रखा है 9:30 के बाद में हो।
ये हमारा 15-25 रखा हुआ है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा इसमें हम 3 कर देते हैं, आप चाहे 10 कर दें तो भी उससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ट्रेड जो हैं वो काफ़ी कम होंगे, क्योंकि हमारी एंट्री कंडीशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो फिर से चेक कर लें सब कुछ, हम लोग 2 साल का है, बैंक निफ्टी ले लिया है हमने, सभी हमारा 5 मिनट का कैंडल का साइज है, ये प्रीमियम बेस्ड है, ठीक है। प्रीमियम बेस्ड का मतलब समझते हैं आप कि जब भी ये एंट्री आएगी, जब ये कंडीशन एंट्री की मीट होगी, उस वक्त में जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 400 के आसपास चल रहा होगा, उसी स्ट्राइक प्राइस को जो आपका एल्गो है वो चूज करेगा। आप चाहें तो यहाँ हटा करके आप फ्यूचर बेस करेंगे तो देन आपको क्या आएगा, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर आएगा ATM, OTM, आप इसके बेसिस पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रीमियम बेस कर रहे हैं और यहाँ पर हम 400 का कर रहे हैं। अब इसे हम रन करते हैं बैक टेस्ट में, तो देखिए पर्पज आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई आपको डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है स्ट्रेटजी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैंने अपना नंबर यहाँ व्हाट्सएप का यहाँ पर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आकर के आप उससे मांग सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैं कभी भी सिंगल स्ट्रेटजी की बात नहीं करता, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, की पोर्टफोलियो में कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज उसकी बात करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, रिचार्जेबल है, जो चार्ज बनाने का होता है, जो पोर्टफोलियो स्टेट पूरा चार्ज होता है, जो कंडीशंस होती हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, फ़ोन मत कीजिएगा, कई बार फ़ोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप कीजिए और उससे हम आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसे पहला स्टेप क्या है, हम जैसे करते थे, ये हमने एक्सेल शीट खोली हुई है, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, तो फिर से यहाँ खोलते हैं, देखिए क्या चल रहा है। ये हमने कितना कमाया, 13,83,000 रुपये कमाया 2 साल में। तो पहले निकालते हैं कि कितना हमने हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, हमने 15 लॉट लिए हैं, एक लॉट 15 का होता है और हम चूज कर रहे हैं 400 का प्रीमियम, तो बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया 90,000, ठीक है। तो 90,000 का इन्वेस्टमेंट है और साथ में इसके अंदर ड्रॉडाउन कितना आया है, ठीक है, ड्रॉडाउन तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आया है, इसमें ड्रॉडाउन आया है 1,41,000, इसे हम ऐड कर लेते हैं, ये हमारा ड्रॉडाउन आया, इसको हमने ऐड कर लिया, ये हमारा 2,31,000 का इन्वेस्टमेंट हमारा आ रहा है। अब वापस चलते हैं और साथ साथ में देखते हैं स्लिपेज के बाद में कितना कमा रहे हैं हम लोग, 1.5% का हमने स्लिपेज लगाया, इसे देखा तो ये हम कमा रहे हैं 6,70,000 रुपये। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आफ्टर स्लिपेज वी आर अर्निंग 6,70,000 रुपये हमने इसमें लिया, और इसमें क्या क्या माइनस करेंगे, इसमें हम ब्रोकरेज माइनस करेंगे और इसमें हम टैक्स माइनस करेंगे। ब्रोकरेज निकाल लेते हैं, ब्रोकरेज देखिए क्या निकल के आ रहा है इसके अंदर, टोटल ट्रेड कितने हैं, 102 प्लस 70, 172 ट्रेड हो रहे हैं 2 साल में, इक्वल टू 172 ट्रेड इंटू, एक ट्रेड में हमारे 2 लेग हैं, इंटू 10 रुपीज़, मैं ज़्यादा साइड ही पकड़ रहा हूँ, तुम्हारा आता है 3,000, और साथ साथ में एक और चीज़ आएगी, 15 लॉट से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा 51,000 का ब्रोकरेज आया, और मोटा मोटा मान लेते हैं कि इतना ही हमारा टैक्स आएगा। तो नेट हमने कितना अर्न किया, वी आर अर्निंग दिस माइनस दिस माइनस दिस, हम अर्न कर रहे हैं 5,76,000 रुपये, हमने कितना लगा रहे हैं, 2,31,000 रुपये। तो मोटा मोटा कितने परसेंट आ गया आपका ये रिटर्न, जिसमें कि हमने माइनस सब कुछ कर दिया है, हमने 1.5% स्लिपे लिया है, बल्कि बहुत से लोग 1% की बात करते हैं, 0.5 की बात करते हैं। अगर देखिए इसको हम मामली बात करके इसे हम 1% कर दें, अगर हम इससे 1% कर दें तो ये वैल्यू हमारी बढ़ के हो जाती है 9 लाख रुपये। तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 1% लें, तुम्हारे 9 लाख यहाँ पर आ जाएगा, 9 में तो 8 लाख हो जाएगा, तो ये हमारा कोई बात नहीं, 1.5 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो दिस डिवाइड बाई इंटू 100% में निकल आएगा, डिवाइड बाई दिस, बेसिकली 250% हमारा इसमें आ रहा है। अगर ये हमने 1% लिया होता तो हमारे 9 लाख आ रहा था तो कितना आता, तो हमारा ये 350% हो जाता, 3 गुना से ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ पे मैं हम वापस इसे क्यूमुलेटिव बात नहीं करते, मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाने वाला हूँ, थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो ड्रॉडाउन आया है, ये हमारा जो आया है नॉर्मल केस में 1,41,000 आया है। अब ये कब आया है, ड्रॉडाउन होता क्या है, देखिए ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ जा रहा है, तो किसी भी मूवमेंट पर जो हाइएस्ट पॉइंट है, देखिए हाइएस्ट पॉइंट क्या है, एक ये हाइएस्ट पॉइंट है, फिर ये हाइएस्ट पॉइंट है, फिर ये हाइएस्ट पॉइंट है, ये हाइएस्ट पॉइंट है,
ये सब देखिए हाईएस्ट पॉइंट बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट मतलब पिछले जितने भी जो पैसा आया उससे ज़्यादा का ऊपर का पॉइंट। तो देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट आया उसके बाद में जो लोएस्ट पॉइंट आया, तो ये जो गैप होता है इसे हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन। तो देखिए यहाँ कितना था, 3,27,000, यहाँ आया 1,86,000। तो ये हमारा जो जो गैप आया है वो हमारा 1,40,000 है। तो इस पॉइंट पर जो है ये हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, बाकी जगह पर उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब एक और समझिए आप, हमने लेटर से 1,00,000 से स्टार्ट किया होता तो क्या हम 1,00,000 की स्ट्रेटजी चलाते चले जाते और हमें पूरा प्रॉफिट मिल जाता, हमको ड्रॉ डाउन ऐड करना पड़ता। तो थोड़ा नीचे आके देखते हैं, देखिए ये रिजल्ट जो हमारे आए हैं लास्ट देखें हम लोग। स्टार्टिंग किया हमने, पहले बार ट्रेड में 34,000 का लॉस हुआ, फिर 16,000 लॉस हुआ, 51,000 हुआ। फिर देखें कि अगला जो ट्रेड आया 54,000 प्रॉफिट हुआ, 3,000 रह गया। फिर देखिए ये 25,000 रह गया। फिर ये कभी भी 1,00,000 से कम नहीं हुआ, आप देखिए। फिर कंटिन्यूसली 1,00,000 से ही हमारा ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो जो बाद में हमारा जो आया है ड्रॉ डाउन, वो प्रॉफिट में से ही ड्रॉ डाउन आया है। तो अगर इस केस में देखा जाए, यहाँ पर अगर हम 1,50,000 लेके भी करते तो हमारे गाड़ी चल जाती, 1,60,000 होता तो भी हमें जो लॉस होता पाप कवर कर लेते। लेकिन हमको नहीं मालूम कि जब हम एंट्री करते हैं, जब आप एंट्री करेंगे उस वक्त में आप कब एंट्री करने वाले, आप इस 22 जनवरी को एंट्री करने वाले हैं, आप लेटर से आप अगर अक्टूबर में एंट्री करने वाले हैं तो ड्रॉ डाउन बहुत ही कम हो जाएगा, आपका बीच में 40,000 आएगा। तो वी डोंट नो कि हमारी एंट्री कब होने वाली है, इसीलिए जो ड्रॉ डाउन होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। एक और चीज़ ये हमने बनाई है केवल कॉल की स्ट्रेटजी। तो 2 साल में केवल मार्केट अप तो गया नहीं है, मार्केट नीचे भी आया है। तो अगर हम साथ में इसके साथ में आपके नया क्वेश्चन आने वाला है, अगर हम साथ में एक पुट स्ट्रेटजी भी रन करें तो उसमें हमको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा हमको एक्स्ट्रा। देखिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,30,000 रुपये। अगर उन 2 साल में हम साथ साथ में पुट की स्ट्रेटजी रन करें तो क्या हमको कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप सोचिएगा। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, क्योंकि कॉल और पुट दोनों साथ साथ कभी ट्रिगर नहीं होंगे, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इतना ही रहेगा। देखिए ये 9,00,000 है, ये बढ़ के हो सकता है कि हमारा बढ़ करके 15,00,000, 16,00,000 या 18,00,000 भी हो सकता है। तो हमारा जो एक तो ये बढ़ गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कि कॉल और पुट कभी एक साथ ट्रिगर नहीं होते, वो होगा। और साथ साथ में जो आपका जो ड्रॉ डाउन जो इतना बड़ा आया हुआ है, वो ड्रॉ डाउन क्या कम हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। कॉल और पुट जब मिलकर काम कर रहे होंगे तो ये ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉल ने लॉस किया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इस टाइम पर मार्केट बेरे सहा होगा और बीच बीच में ये जो जो ट्रिगर हो रही होगी, रॉन्ग ट्रिगर हो रही होगी, उस पर पुट काम कर रहा होगा, तो इतना बड़ा ड्रॉ डाउन आ नहीं सकता, वो यहाँ से गाड़ी सीधी चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो जब हम बात करते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी काम करती है। क्योंकि कोई स्ट्रेटजी कभी चलती है, कोई स्ट्रेटजी कभी चलती है, हर स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन आता है, हर स्ट्रेटजी एक ऊपर की साइड तेजी से बढ़ती है। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको एक बैलेंसिंग मिलती है। तो आई ऑलवेज से बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे ये स्ट्रेटजी दे रही है, मैं उनको देता ही नहीं हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू मेक माई नेम बैड। मैं देता हूँ कॉम्बिनेशन जो कि पिछले एक साल से अच्छा काम कर रहा है, तो कोई रीजन नहीं है कि आगे काम नहीं करेगा। अगर आगे काम नहीं करेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस वी डिसाइड कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या इस स्ट्रेटजी को ही चेंज कर देना है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए रिस्क पर ट्रेड इसमें जो है ये हमारी 1.15 आ रही है, 1 से ज़्यादा रिस्क पर ट्रेड कंसीडर गुड। विनिंग प्रोबेबिलिटी कम आ रही है, जैसे मैंने आपसे कहा था। मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए 2,70,000 का आया है, मैक्सिमम लॉस 50,000 का आया है। मतलब हमारा जो मैक्सिमम इसका जो रेशियो आया है ये नियरली 1:5 के आसपास में आया है। विन स्टिंग मतलब कंटिन्यूसली 4 बार प्रॉफिट आया है, लॉस स्टिंग मतलब कंटिन्यूसली 5 बार आया है। इससे ज़्यादा ना ज़्यादा बार कंटिन्यूसली प्रॉफिट आए ना कंटिन्यूसली लॉस आए पिछले 2 साल के अंदर में। तो हमने चेक कर लिया है, हमारा रिजल्ट भी देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड में आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेटजी काम करने वाली है। आप यहाँ भी एनालाइज करते हैं कि किसी स्पेशल दिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो वी कैन थिंक ऑफ दैट थिंग कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। या आपका ईयर वाइज भी आ रहा है, 24 में देखिए 24 में ये ज़्यादा बड़ा लॉस चल रहा है क्योंकि अभी दिन कम हुए हैं, आगे अभी प्रॉफिट आएगा। देखिए यहाँ भी तीनों दिन आपने चीज़ गौर किया, तीनों बार जनवरी महीने ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसके बाद में अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है। ये अभी की बात नहीं है, मैंने और भी बाइंग स्ट्रेटजी चेक की, उनमें भी ये रिजल्ट निकल के आया है। जनवरी कई बार ऊपर नीचे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर कोई नई स्ट्रेटजी की। ओके, बाय बाय।